गाइस, ये वक्त एक ही पल में किसी के लिए बहुत बुरा भी हो सकता है और बहुत अच्छा। ऊपर वाले ने किसके वक्त में क्या लिखकर भेजा है कोई नहीं जानता, पर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि शाहरुख खान सर ने बड़ी मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने में। और मैं यहाँ बात सिर्फ शाहरुख खान सर की कर रहा हूँ। मुझे दुख उस इंसान के लिए है जो ऐसे ही शाहरुख खान नहीं बन गया। उसने भी पागलों की तरह स्ट्रगल की है, उसने भी बहुत बुरा समय देखा है, अपने आप को तपाया है सूरज की आग में, तब जाकर आज वो शाहरुख खान बन पाया है। ये वक्त उसे तोड़ देगा बिल्कुल अंदर से। और ये बिल्कुल सच है, मेहनती इंसान कभी गलत नहीं हो सकता। मैंने जब से उनकी पहली स्पीच सुनी थी तब से उन्हें एक टीचर की तरह मानता हूँ, एक गुरु की तरह मानता हूँ। उनकी हर एक बात को अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करता हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है समय जैसे कि कोई बुरा सपना हो। इतने अच्छे इंसान के साथ ऐसा भी हो सकता है, पर कमबख्त हुआ है ये। उस इंसान की सोच ही अलग है इस दुनिया के बारे में, जिंदगी के स्ट्रगल के बारे में। वो गोल्डन हार्ट वाला इंसान है। उन्होंने अपनी स्पीच में कहा है कि हमेशा अपने आप को आगे कैसे लेकर जाना है ये सोचो, ये मत सोचो कि किसी से आगे कैसे जाना है। आपने भी उनकी वीडियो कई बार देखी होंगी और कई बार उनकी बातों से इंस्पायर भी होंगे। मुझे एक बात याद आ रही है उनकी, जब वो मुंबई में अपना सीरियल पूरा करने के बाद जा रहे थे तो उनसे किसी ने पूछा था आगे का प्लान क्या है। उन्होंने कहा कि फिल्मों में कोशिश करूंगा। दूसरे इंसान ने कहा अरे वहां तो बहुत कंपटीशन है, वो तो खा जाएंगे तुम्हें। तब इस बंदे ने पता है क्या कहा था, मेरा कंपटीशन वहां किसी से नहीं है, मेरा कंपटीशन वहां खुद से है। मैं वहाँ खुद को साबित करने जा रहा हूँ और उसे कंपटीशन करने नहीं। एक नई हजारों बातें हैं उनकी यार, जो हमें इंस्पायर करती हैं, मोटिवेट करती हैं। मुझे बहुत बड़ा शौक लगा था जब मैंने ये न्यूज़ फ्लैश होती देखी। दुख तो इस बात का है गाइस कि वो इंसान जिसकी सारी दुनिया इज्जत करती है उसके साथ ऐसा हो गया। इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत में है शाहरुख खान सर। गाइस, उस इंसान ने जीरो से शुरुआत की थी। किसी किसी को इतनी कामयाबी मिलती है। आज उनके साथ जो भी कुछ हो रहा है उसकी वजह कुछ भी हो, पर सच कहूँ तो ये बहुत भयानक सपने के जैसा है। कौन गिल्टी है कौन नहीं है ये तो वक्त ही तय करेगा, पर मुझे इतना पता है इस वक्त शाहरुख खान सर को दुआओं की बहुत जरूरत है गाइस। क्योंकि जब किसी के घर का चिराग सलाखों के पीछे होता है ना, तो सबसे पहले बाप ही टूटता है और फिर धीरे धीरे सारा परिवार टूट जाता है। मैंने सुना है कि दुआओं में बड़ी ताकत होती है। इस वक्त उस परिवार को दुआओं की बहुत जरूरत है गाइस। कौन गलत है कौन सही है ये वक्त पर छोड़ दो, ये फैसला हम नहीं कर सकते, ये वक्त करेगा। पर एक इंसान होने के नाते हम ये तो कर सकते हैं ना, हाथ उठाओ, याद करो अपने मालिक को, अपने भगवान को कि मेरे सच्चे बादशाह, मेरे मालिक, मेरे ईश्वर, उनके परिवार को हिम्मत दे इस वक्त से लड़ने की और इस मुसीबत से जल्द निकाल दे उन्हें। आज तुम किसी के लिए दुआ करोगे ना, कल तुम्हारे साथ। अगर कोई मुसीबत होगी ना तो खुदा खुद तुम्हारे साथ खड़ा होगा, तुम्हारा भगवान तुम्हारे साथ खड़ा होगा। मैंने सुना था दुआओं में बड़ी ताकत होती है, यही सोचकर वीडियो बनाई है। अब ये वीडियो जितने लोगों तक जाएगी उतने ही लोग उनके लिए दुआ करेंगे। और लास्ट में गाइस, अगर कोई साथ भी ना हो ना तो कोई बात नहीं, मेरा ईश्वर मेरा खुदा तो मुझे देख रहा है ना, यही सोच लेना, पर दुआ जरूर करना मेरे दोस्त, आज उन्हें हमारी बहुत जरूरत है। गाइस, सब्सक्राइब, लाइक, ये भी तुम्हारे हाथ में ही है। मेरे दिल ने कहा और मैंने वीडियो बना दी, अब आपके हाथ में है। इसे आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे, जितना ज्यादा प्यार देंगे, मैं सब कुछ आप पर छोड़ता हूँ गाइस। मैं नहीं कहता सब्सक्राइब के लिए, ना ही कहता मैं लाइक के लिए, आपके हाथ में है। धन्यवाद, शुक्रिया मेरा यहाँ तक साथ देने के लिए। जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।